हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं और नोब आ गए हैं एक और फेस टू फेस चैलेंज के साथ। गाइस मस्त सीरीज स्टार्ट हो गई है और ये एक खतरनाक सा मुझे लग रहा था डायनासोर है जिसके मुंह के अंदर हम रेस करने वाले हैं। बाय गॉड क्या मजेदार सीन है। पोस्टर्स भी लगे हुए और नोबड़ी ना बहुत पीछे रह गई है बहुत ज्यादा। आज इसने मुझसे टक्कर का मुकाबला नहीं किया लेकिन बाय गॉड गाड़ी डिलीवर कर चुकी है। लेकिन किस तरफ गायब है। ओके नोब ने रीस्पॉन मारा है और मैं उससे थोड़ा आगे आ गई हूँ जैसे कि मैं उससे आ गई थी। और मुझे ऐसा लग रहा था शायद नोब गाड़ी चलाना ना भूल गई है जब भी वो मुझसे इतना ज्यादा पीछे रह गई, वरना ऐसा सीन उसके साथ होता नहीं। बट देखते हैं क्या सीन होने वाला है, कौन जीतने वाला है। गाइस दो बड़े बड़े दांत भी लगे हुए हैं डायनासोर के मुंह के अंदर गाड़ी को ले जाना एक बहुत ही हॉरर सीन है। मतलब रैंप पूरी मुंह के अंदर ही बनाती है, क्या बात है। बहुत ही खतरनाक सीन है और कभी भी ये मुंह बंद हो जाएगा तो हम इसकी गुफा में बंद हो जाएंगे। और एक गुफा टाइप बनाई हुई है जिसमें बूस्टर के साथ साथ बॉल्स भी रखी हुई है और दो अदद साइन बोर्ड रखे हुए हैं शॉकिंग वाले जो हमें डराने के लिए रखे हुए हैं। बाय गॉड ये गाड़ी का जो रिस्पॉन पॉइंट है ना खतरनाक है। गाड़ी जाकर ना डायरेक्ट वहां ठुक रही है और रिस्पॉन करना ही पड़ रहा है बार बार। तो रिस्पॉन मारा है मैंने और नब मेरे पीछे पीछे आ रही है और काफी देर से मैंने फर्स्ट रहने का संतुलन बनाया हुआ है और बहुत मजा आ रहा है मुझे नुब को पीछे रखते हुए। अभी आगे आने की उसने ना कोशिश ही नहीं की और ये क्या दे दिया, इतनी दूर तक इसको लेकर जाना पड़ेगा। और नुबड़ी भी डिलीवर कर चुकी है, सेम टू सेम यही ट्रक रिस्पॉन मारा है उसने और अब मुझसे थोड़े से फासले पे है क्योंकि ये जो ट्रक है ना ये बहुत स्लो चलने वाली है, बहुत ही ज्यादा स्लो। बट हम इसको आराम से ले जाएंगे और कोशिश करेंगे नुब से कोई भी पंगा ना ले क्योंकि मैं आगे हूँ। हाँ अगर नुब आगे जाने की कोशिश करेगी तो मैं ज़रूर उसकी कट लगाने वाली हूँ। तो अभी अपना बजरी से भरा हुआ ट्रक आगे छोड़कर आते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आगे काम चल रहा है और हमसे थोड़ी सी एक्सरसाइज करवा रहे हैं या रेस चल रही है या एक्सरसाइज चल रही है। गाइस लाइन से रखी हुई है बॉल्स लाइन से, क्या कूल। लाइक इनके अंदर हमसे ज़्यादा सेंस है कि एक साथ लाइन से लगी हुई थी, मैंने पूरी लाइन तोड़ दी है और रिसीव नोब को ना डिस्टर्ब करने के लिए ताकि वो थोड़ा सा पीछे रह जाए और अटक जाए। लेकिन नहीं, बिल्कुल पीछे पीछे आ रही है और बिल्कुल पीछे है, एकदम पीछे। और अब बॉल से जैसे मैंने उसका दिमाग भटकाया था ना वैसे सेम टू सेम वो वहाँ रुक गई थी शॉकिंग बोर्ड के पास। और अब उसके पास तो मोटा ट्रक है, मेरे पास है बगी पंगा। ओ माय गॉड, माय गॉड गाइस, माय गॉड, उसने तो पूरी की पूरी ट्रक बग्गी के ऊपर चढ़ा दी और मुझे लगा अब तो मैं गई। वे मुझे ऐसा लग रहा था मैं गई और यहाँ पे भी लिखा आ जाएगा कि मैं मर गई हूँ। मैंने सुइसाइड किए खुद ट्रक के नीचे जाकर क्योंकि उसने ट्रक नहीं चढ़ाई थी, मैं ट्रक के नीचे जा रही थी, उससे जानबूझ कर पंगा लिया मैंने। बाय गॉड मुझे पता था वो एक हैवी और बहुत मोटा गंदा ट्रक लेकर आ रही है लेकिन मैंने फिर भी पंगा ले लिया। मैं तो सांप के मुंह में भी हाथ डाल देती हूँ, बिल में भी सांप के, मैं नहीं डरती हूँ, शेर किससे भी पंगा ले लेती हूँ तो फिर नुबड़ी क्या चीज़ है। बाय गॉड दोनों बसेस मुझे ऐसा लग रहा साथ साथ जाने वाली है। गाइस दोनों के पास बस है और सिर्फ बस ब्लिंक कर रही है क्योंकि हम दोनों की बस जो है वो रिस्पॉन साथ साथ हुई है। तो बस मैं और नुब साथ जा रहे हैं, मुझे इसे किसी भी तरीके से हटाना है। ये चमगादड़ के जैसे चिपक गई है मेरे ऊपर, हट जा रास्ते से। या तो मुझे थैंक गॉड कि हम अलग हुए, यहाँ पर सीन बहुत गंदा चल रहा था और अभी भी देखो गाइस मुझसे चिपकने की कोशिश की जा रही है, मैं उसे हटा रही हूँ कि हट जा हट जा। मुझे ऐसे चिपकू फ्रेंड्स अच्छे नहीं लगते हैं लेकिन नहीं नहीं बस को ज्वाइन किए जा रही है। देन फाइनली बस तो हमने डिलीवर कर दिया है, बहुत चिपकू है नोबड़ी। और फाइनली वो डिलीवर करने के बाद चारनो भोग आ गया और अभी वो मुझसे पीछे है और मैं उससे ज़्यादा आगे हूँ। काफ़ी मस्त सीन है, बॉल्स रास्ते में मेरे मत आओ, नुब को रोको, सिर्फ नुबड़ी को किसी भी तरीके से रोकती रहो, मेरे पास मत आओ मेरे रास्ते में क्योंकि मैंने तुम लोगों को किराए की तरह किराए के ऊपर रखा हुआ है तो उनके लिए उसके खिलाफ काम करो ना कि मेरे मुंह के आगे आते रहो, मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। फाइनली फिर से गाड़ी चेंज हो चुकी है और ये एक मस्ती गाड़ी है जो कि काफ़ी तेज़ और तगड़ी जाने वाली है।
फटाफट से इसको लेकर जाते हैं सामने। नुब पीछे नहीं रह गई, नुब मेरे पीछे ही आ रही है। मुझे लगा नुब चार नोटबुक लेकर बहुत पीछे रह गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नुब मेरे पीछे पीछे ही आ रही है, जैसे कि नुब मेरी कोई दुम हो, ऐसा लग रहा है मुझे तो, बिल्कुल पीछे आ रही है। और फाइनली मेरे पास आ गया है खतरनाक ट्रक। इधर आ चुड़ैल, कहीं की मेरा ट्रक सही से रिस्पॉन्ड नहीं हुआ था और वो फटाफट से पहुंच गई तेजी से। उसे मालूम था कि मुझे तेज भागना है, अगर मैं तेज नहीं भागूंगी तो मेरा कचुम्बर बना देगी फ्रॉगी, इसलिए डर के मारे बहुत तेज भागी और मेरे नोकीली नाक से बचते हुए भाग गई। देन कोई बात नहीं, कभी तो मौका मिलेगा जब ले लेंगे बहुत तगड़ा मजा। और ये गाइज, मैंने फौरन से मैंने अपने ट्रक को स्टॉप कर दिया था, क्योंकि आगे से वो अपनी मोटी नाक वाला ट्रक लेकर आ रही थी। तो मैंने बोला इस स्केलेटन ट्रक को, रुक जा बेटा रुक जा, बुरी बात होती है पंगा लेना ना, बुरी बात होती है, वो भी फैंटम वेथ से, नो वे। अभी वो उछालेगी, टाइम ज़ाया करेगी, हमारा ट्रक उछल जाएगा और फिर टाइम वेस्ट होकर वो रिस्पॉन करके भाग जाएगी, तो उसे आगे नहीं जाने देता। गाइज बहुत देर हो चुकी है और मैं उससे कई ज़्यादा आगे हूँ। मज़ा आ गया आज तो, मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने उसे एक बारी आगे नहीं जाने दिए। और ये ही ना बहुत मज़ेदार सीन है उसके लिए, तो उसकी हट गई होगी, एकदम हट गई होगी। आज तो उसको मैंने मज़ा चखा दिया और मैंने उसको बता दिया कि नुबड़ी तो नुबड़ी ही रहेगी बेटा, तो जितना भी आगे जाने की कोशिश करते हैं ना मार मार के, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। एंड नन्नी मुन्नी गाड़ी को डिलीवर करते हैं। वाओ गाइस, बग्गी आ गई है और बग्गी से मारने का मौका मिलेगा। वो मुझसे आगे भाग कैसे सकती है, वो दूसरी तरफ से निकल गई। नहीं रोको उसे, रोको 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 रोको, मुझसे गलती हो गई, रोको उसको, कोई तो रोको रोको, डोपड़ी रोक जा। नहीं मेरे इतनी देर तक कंट्रोल बनाए रखो को है। बाय गॉड गाइस, विनिंग फ्लैग आ गया और वो मुझसे आगे चली गई, तो बहुत बैड सीन हो जाएगा। ठीक है, उसका जो ट्रक है वो पीछे की तरफ रिस्पॉन हुआ है और मेरा ट्रक आगे की तरफ रिस्पॉन हुआ है, इसी वजह से वो पिछली गाड़ी में मुझसे आगे निकल गई थी, लेकिन इस बार मैं उसे कोई मौका नहीं दूंगी। चल मेरे चारनोबोक, जल्दी जल्दी चल, चल मेरे चारनोबोक, घोड़े की तरह काम कर, टकड़क 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 टकड़क, दौड़ता जा दौड़ता जा। अभी कुछ वक्त के लिए डायनासोर नहीं, कुछ वक्त के लिए तुझे मगरमच्छ नहीं रहना है, घोड़ा बनना है तेज दौड़ने के लिए। एंड फाइनली अब मेरे पास है एक अदद पुलिस वैन और ये हमारी फाइनल एंड फुल गाड़ी है। नुब से पीछे है, बस इतना ही काफ़ी है। सेकंड पोजीशन तो आएगी आएगी, क्योंकि वो मेरे बिल्कुल पीछे है और उसके पास बड़ा सारा टाइम है अपने आप को सेकंड पोजीशन पे देने के लिए, सेकंड पोजीशन पे। एंड फाइनली आपके डी फर्स्ट हो चुके हैं एंड नुब भी सेकंड आ चुकी है। आज की वीडियो को ये भी ख़त्म करते हैं और ये नुब के लिए है विनिंग टोस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा हम दोनों का रेस करना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत सारा ख्याल रखना।